हमारे देश के क्रांतिकारियों ने गांवों की आजादी के बगैर भारत की आजादी को अधूरा बताया। आजादी यानी गांव समाज को अपने बारे में स्वयं सोचने, स्वयं निर्णय लेने और स्वयं कार्य करने की आजादी। उन्होंने कहा, सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठे हुए 20 व्यक्तियों द्वारा नहीं चलाया जा सकता, उसे प्रत्येक गांव के लोगों के नीचे से चलाना होगा। स्वतंत्रता नीचे से आरंभ होनी चाहिए। ग्राम सभाएं इस देश की आत्मा हैं। सच यह भी है कि पंचायतों को आज सरकारी विकास कार्यक्रमों ने अपनी एजेंसी समझ लिया है। शासन तथा प्रशासन दोनों ही अधिकांश ग्राम सभाओं तथा पंचायतों को अनदेखा कर रहे हैं, जिससे उनका विकास नहीं हो पा रहा है और वो आज भी 70 साल पुरानी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। जब तक ग्राम सभाओं तथा पंचायतों को उनका पूर्ण अधिकार तथा दायित्व नहीं दिया जाएगा, तब तक इस देश का विकास संभव नहीं है। इसी के तहत ABPS न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक बुलारी में स्थित गाँव सनाई रोजा पड़ा। लगभग 3000 की आबादी वाला यह गाँव जिला मुख्यालय से 32 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गाँव की दूरी 8 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान राज बहादुर सिंह हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 1900 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर व प्राइमरी विद्यालय में लगभग 264 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। वहीं बात अगर गांव में कराए गए विकास कार्यों की जाए तो गांव के वर्तमान प्रधान ने गांव में 18 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 85 शौचालयों तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 38 आवास का भी निर्माण कराया है। वहीं पेयजल व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए गांव में 25 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 10 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त कराने के लिए गांव में 150 विद्युत पोल, 10 विद्युत ट्रांसफार्मर तथा 4 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। वहीं 32 LED लाइट भी लगवाई गई हैं तथा 10 विद्युत पोल तथा 3 ट्रांसफार्मर लगवाने की मांग सरकार से की है। ABPS न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में शमशान घाट, बारात घर, पंचायत घर, प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण कराने की राज्य में केंद्र सरकार से मांग की है। हमारे गांव में आए हुए हमारे जो पत्रकार मित्र हैं, सर्वप्रथम मैं उनका अभिनंदन करता हूं और उनको साधुवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे गांव की समस्याओं के प्रमुखता से उठाने के लिए एक हमें मंच उपलब्ध कराया और हम इसके लिए जो हमारा ये चैनल है इसके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे कि हमें अपनी आवाज़ अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उन तक पहुँचाने का मौका मिला। ऐसा सुंदर अवसर बार बार नहीं मिलता कि हम अपनी बात किसी मंच पर रख सकें, इसलिए मैं इन पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने एक श्रमशील काम करते हुए गांव का परेशानियों में जाके धूप में, गर्मी में और जाड़े में हम लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए मंच प्रदान किया और मैं हमेशा इनका शुक्रगुजार रहूँगा। हमारी जो ग्राम पंचायत सनाई रोजा है ये दो गांव को मिलकर बनी है, मिश्रित आबादी वाले गांव हैं जिसमें हम चार हमारे तीन प्राथमिक विद्यालय और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय हमारे गाँव मौजूद है। उसके अलावा एक पंचायत घर, एक किसान सेवा केंद्र और एक सरकारी अस्पताल हमारे मौजूद हैं, उस पर कर्मचारी मौजूद हैं, 2-3 आंगनबाड़ी हमारे गांव में मौजूद हैं, 2 आशाएँ हमारे गांव में मौजूद हैं, 1 रोजगार सेवक हमारे गांव में मौजूद है और हमारे जो पंचायत सेक्रेटरी महोदय हैं श्री राम प्रकाश जी, उनका योगदान हमारे गांव के लिए बहुत उल्लेखनीय है। और हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, श्री सतपाल सैनी जी हैं या अनिल चौधरी हुए हैं, उन्होंने हमारे गाँव के लिए काफ़ी विकास कार्य कराने की प्रेरणा हमें प्रदान की और हमारा समय समय पर सहयोग करा, इसलिए मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मूल रूप से जो गांव की समस्याएं हैं, शौचालय नाली हैं और सड़कें हैं, हम बार बार कोशिश करते हैं अधिकारियों से कि हमारे गांव का संपूर्ण विकास कराया जाए जिससे हमारे गांव का नाम रोशन हो। एक प्राचीन गांव है, मिश्रित आबादी वाला गांव है, बिना किसी भेदभाव के हम सभी लोगों का ही विकास करने की चेष्टा करते हैं। हमारे जो माननीय प्रधान जी राजबहादुर सिंह हैं ये चौथी बार इस गाँव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और बहुत योग्य और बहुत ही बढ़िया सज्जन व्यक्ति हैं जिनका दूर दूर तक नाम है, राजनीति में एक जाना पहचाना चेहरा है। इसलिए जो हमारे गांव की समस्याएं मुख्य रूप से ये हैं कि जो हम अगर किसी गांव में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है या मानो कोई कैंसर पीड़ित है या TB पीड़ित है, वो समय पर इलाज अपना नहीं करा पाता और हम जब उसके पास हमें वो कहता है कि प्रधान जी आइए हमारे पास, तो हम अपने आप को निरुत्तर महसूस करते हैं कि गाँव प्रधान गवर्नमेंट ने हमें कोई भी निधि ऐसी नहीं दी है जो हम उन लोगों की मदद कर सकें। अगर किसी व्यक्ति का कोई जानवर खत्म हो जाता है, हम उसके घर जाते हैं, तो हम उसे कुछ भी मदद प्रदान नहीं कर सकते क्योंकि व्यक्ति की मजबूर व्यक्ति की जो इलाज में सक्षम भी नहीं है, उन्हें हम कुछ सहायता राशि अपने पास से प्रदान कर सकें। और जो प्रधानों का मानदेय है वो बहुत थोड़ा है, उसमें थोड़ी सी वृद्धि जो मानो आज मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी एक सक्षम व्यक्ति हैं और हमारी गवर्नमेंट केंद्र में भी और राज्य में भी संपूर्ण बहुमत से है, एक अच्छा अवसर है हमारे पास कि हम गाँव पंचायत के लिए कुछ कर सकें।